डैड हियर एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ बहुत ही अच्छी चीजों के बारे में जो हम सबको लगती है माइनक्राफ्ट खेलते हुए और उनका नाम है ट्रैपडोर। सो लेट्स बिगिन एंड फर्स्ट ट्रैपडोर है ओक ट्रैपडोर। ये ऐसी ट्रीज से मिलती है एंड ओक ट्री सबसे कॉमन ट्री है माइनक्राफ्ट के। आप कहीं पे भी स्पॉन हो जाएंगे आपको ओक ट्री मिलेगा, पर दूसरे बायोम्स में नहीं, बस नॉर्मल बायोम में स्पॉन होते मिलेगा ही मिलेगा। एंड लेट्स गो टू अनदर वन, ये है स्प्रूस ट्रैपडोर। ये मिलता है स्प्रूस के झाड़ से एंड स्प्रूस का झाड़ इजीली पहचाना जा सकता है क्योंकि ये क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है एंड पहाड़ों में मिलता है ना, टाइगर बायोम में मिलता है एंड इसका बार्क रेड होता है, सो आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैपडोर है बर्च ट्रैपडोर। अब ये ट्रैपडोर बहुत ही अच्छा दिखता है, यानी इसके अंदर से भी कुछ दिखता नहीं है, और जैसे कि ओक ट्रैपडोर के अंदर से ट्रांसपेरेंटली आप देख सकते हैं, वो बहुत से प्लेयर्स को अच्छा ही लगता है, पर बर्च ट्रैपडोर बहुत अच्छा दिखता है। एंड स्प्रूस ट्रैपडोर के अंदर से भी दिखता है पर वो थोड़ा लाइट ब्राउन होता है, सो वो भी प्लेयर्स को अच्छा नहीं लगता है यानी। सो ये आप इसको ऐसे झाड़ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं एंड इस झाड़ को पहचानना बहुत इजी होता है, बस इसके बार्क को देखना है। ये वाइट होता है और इस पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। सो लेट्स गो टू अनदर। ओके सो अब हमारे पास है जंगल ट्रैपडोर। सो गाइस जंगल ट्रैपडोर असली में तो ऐसे ट्रीज से मिलते हैं। ये ट्री सबसे लंबी ट्री होता है माइनक्राफ्ट की एंड आपको बहुत दूरी से ही दिख जाते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ काफी दूर से आप इसको देख सकते हैं एंड बस इसको अपनी ऊंचाई से और ऐसे ग्रीन और मरून रंग से पहचाना जा सकता है। सो लेट्स गो टू अनदर वन। ओके सो अब ये है अकेशिया ट्रैपडोर। ये रेड कलर के होता है ऑरेंज कलर के और इनका ट्री ऐसा दिखता है। ये सवाना बायम जैसे कि डेजर्ट में मिलता है एंड इसको पहचानना भी इजी होता है, जैसे कि ये थोड़ा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में इसके शेप्स बढ़ते हैं, ये ग्रो होता है एंड नीचे से देखेंगे तो ये रेड ऑरेंज कलर का दिखता है, सो आप इसको इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि बाहर से इसका बार्क ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ट्रैपडोर है डार्क ओक। अब आपने वो देखा फर्स्ट वाला है नॉर्मल ओक। सो ओक में और डार्क ओक में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस डार्क ओक डार्क होता है और उसके बीच में ट्रांसपेरेंट ब्लॉक्स नहीं रहते एंड इसको पहचानना भी काफ़ी इजी है। इसका बार्क सबसे डार्क होता है एंड ये ट्री मुझे बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे वो ग्रो नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं पता क्यों, पर ओके आप इसको देख सकते हैं एंड ओ भाई वेदर आ गया। सो गाइस मैंने डिसाइड किया आपको हर एक माइनक्राफ्ट की वीडियो में मैं एक टिप दूंगा जिससे आपको माइनक्राफ्ट खेलने में आसानी होगी, और आज के टिप है आप टी दबाए अगर आप ये खेलते हैं पीसी एडिशन एंड मोबाइल और कॉन्सोल में ऊपर एक मैसेज का सिंबल आ जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको स्लाइड वाला जो भी मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, आई थिंक हाइफन बोलते हैं, सो आपको ये देना है एंड यहाँ पे पीसी के एडिशन में आपको सिर्फ चिट्स दिखेंगे, सो आपको फोन में खुद से डालना पड़ेगा चिट्स। जस्ट देखिए मैं क्या करता हूँ, बिना स्पेस के आपको वेदर लिखना है, एक सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा पीसी में डायरेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, स्पेस बार देके क्लियर रेन या थंडर, अभी थंडर वेदर है सो मैं इसको क्लियर करूंगा और एंटर कर दूंगा। सो गाइस कुछ ही देर में वेदर ठीक हो गया, देखिए वेदर ठीक हो गया एंड हम अगले इस पर बढ़ते हैं। सो ये है आयरन ट्रैपडोर और इसका एक सेकंड, आयरन का झाड़ नहीं रहता यार, आयरन ओर है और वो जमीन के अंदर मिलता है, सो ये क्या है यार, किसने बना के रखा है। सो गाइस आयरन ट्रैपडोर सबसे अलग ट्रैपडोर रहता है जो ओक के तरह दिखता है पर वो इसके तरह बिल्कुल काम नहीं करता है। सो आयरन ट्रैपडोर की खासियत क्या है कि आप इसको हाथों से नहीं खोल सकते, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि मैं नॉर्मल ट्रैपडोर है, मैं इसको हाथों से खोल सकता हूँ, ये देखो मैं
किसी भी चीज की हेल्प नहीं ले रहा हूँ और मैं इसको इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन लिखा था, ये देखो मैं अपनी राइट क्लिक कर लेफ्ट हाँ राइट क्लिक करते जा रहा हूँ एंड ये ओपन होते जा रहा है, पर इसके साथ नहीं हो रहा। मैं राइट क्लिक कर भी रहा हूँ तभी भी कुछ नहीं होगा, और अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये टूट जाएगा। सो इसको ऑपरेट करने के लिए तीन चीज़ें हैं और रेडस्टोन भी होता है, पर पहली चीज़ है प्रेशर प्लेट एंड अगली चीज़ है एक लीवर, आप इससे भी इसे कर सकते हैं, एंड एक और है जिसे कहते हैं बटन। सो प्रेशर प्लेट और बटन दोनों एक जैसा काम करते हैं, पर बटन को प्रेस करने के बाद ज़्यादा देर तक ऊपर रहता है। लीवर में आप जितने देर इसे ऊपर रखना चाहिए उतने देर, और प्रेशर प्लेट में बस जैसे आप इसमें पैर देंगे। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। सो मैंने एक ट्रैपडोर लिया है एंड आप देख सकते हैं अगर आप माइनक्राफ्ट 1.14 या उसके आगे के वर्जन खेलते हैं सो आपको ये ट्रिक पता ही होगी। एक इसके सामने खड़े हो जाइए दीवार में या कहीं पे भी, ये लगा दीजिए ट्रैपडोर एंड जस्ट ट्रैपडोर के एग्जैक्टली ऐसे पोजीशन में खड़ा रहना है और बस उस पर क्लिक करना है। सो देखो गाइस ट्रैपडोर खुल चुका है एंड मैं कैसे स्विमिंग की पोजीशन में नीचे आ गया हूँ और मैं क्रॉल करते हुए इसके अंदर आ चुका हूँ। वाओ आप देख सकते हैं मैं वन ब्लॉक से आया हूँ और एक प्लेयर असली में होता है दो ब्लॉक का। आप देख सकते हैं मुझे मैं दो ब्लॉक का हूँ एग्जैक्टली। सो अब मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। सो बाहर जाने की भी एक ट्रिक है, बस करना क्या है एक और ट्रैपडोर लेना है। ट्रैपडोर किधर है, एक सेकेंड, रेडस्टोन, और रेडस्टोन में जाके मैंने उठा लिया ट्रैपडोर। अब ट्रैपडोर को मैंने इधर प्लेस किया एंड गाइस ये याद रखिए ट्रैपडोर हमेशा ही ऐसे नीचे के साइड में फेस करके नहीं हुआ तो भी चलेगा, बस ट्रैपडोर के पास खड़े रहना है और उसे क्लिक करना है, आप अपने आप क्रॉल पोजीशन में चले जाएंगे। एंड देखिए मैं उसके बाहर तक आ गया हूँ और इसमें कोई मॉड्स नहीं यूज हुए गाइस, बिलीव करो। सो ये मैंने ऊपर रख दिया है एंड लेट्स गो टू अनदर बिल्ट। सो ये सबसे अच्छा बिल्ट है क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स को बहुत ही मुश्किल होती है जब भी वो सर्वाइवल मोड में जाते हैं, उन्हें घर बना नहीं सकते, वो मतलब रात हो जाती है और फिर उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलती है। सो ये एक बहुत कूल वे, इससे आप ट्रैपडोर्स पे लैडर लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सो बस आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए मैंने जैसे यहाँ पर इस साइड से ये इस साइड मुँह है क्योंकि मैंने इन्हें ऐसे लगाया, यानी हमें ट्रैपडोर का मुंह हमारी तरफ से यानी हमसे क्लोजर चाहिए। सो हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा एंड पीछे से प्लेस करके सीधा। अब मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक्स की हाइट का बनाया है, सो शिफ्ट करना है और इसके ऊपर ब्लॉक्स प्लेस करना है। ये मैंने प्लेस कर दिया एंड इसे ओपन करना है। सो गाइज आप देख सकते हैं ये सीधा हो चुका है एंड अगर आप एक ब्लॉक को देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक ब्लॉक कितना होता है परफेक्टली। सो ये ट्रैपडोर ब्लॉक्स के अंदर है इसलिए ये लग गया, क्योंकि लैडर एक ब्लॉक से बाहर लगती है। बेसिकली लैडर भी एक ब्लॉक होता है पर लैडर पतला रहता है, पतला दिखता है, इसलिए आपको लगता है कि लैडर 2-3 चीज़ों में लग सकता है, पर नहीं, एक ब्लॉक में एक ही लैडर आता है। सो क्राउच करना है, और पीसी में होंगे तो शिफ्ट, और मोबाइल वर्जन में होंगे तो लेफ्ट साइड में ऐसे डॉट आता है उस पर क्लिक करना पड़ता है, बस क्राउच करो और प्लेस कर दो। सो आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेस कर दिया है एंड अगर आप ये ट्रैपडोर खोलेंगे सो ये पूरा गिर जाएगा राइट। ये ऊपर का गिर गया है मेरा एंड मैं इसे वापस प्लेस करूँगा एंड बारिश फिर से आ गई। सो मैं वापस वही चिट डालूंगा, वेदर क्लियर एंड अब मैं दिखाता हूँ आपको आप कैसे बना सकते हैं एक प्लेटफॉर्म। सो आपको अभी पता हो गया है कि लैडर एक ब्लॉक है और ट्रैपडोर एक ब्लॉक है अलग अलग। सो आप देख सकते हैं ट्रैपडोर ने एक पूरा ब्लॉक लेके रखा है। सो आप अगर क्राउच करके इस पर क्लिक करेंगे
सो यहाँ पे एक ब्लॉक की स्पेस बच जाती है एंड आप इसे कवर कर लेंगे। ओके मैं ऊपर जाता हूँ एंड अब हमें करना क्या है कि शिफ्ट करना है फिर से और ओक ट्रैप डोर को यहाँ पे प्लेस करना है। सो आप इसके बीच में नहीं गिरेंगे एंड इसको ओपन करने के बाद आप इजीली यहाँ से नीचे जा सकते हैं। सो ये एक ईजीली सर्वाइव करने के लिए बहुत ईजी और अच्छी टेक्निक है। सो आई थिंक दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे 5 और लाइक्स दे दीजिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। हमारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है।